हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी स्क्रीन पे। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। यदि आप के बी सी की तैयारी कर रहे हैं और सीट तक जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज़ अप्रूव द प्रपोजल डैट विल अलाउ स्टेट लाइसेंस एंड कंट्रोल कमर्शियल कल्टिवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाबीज। यहाँ भांग की बात हो रही है तो जर्मनी ने एक लिमिटेड मात्रा में कि आप उसका कंजप्शन कर सकते हैं पर्सनल और खेती भी कर सकते हैं उसकी, उसके लिए अलाउ किया गया। ये दूसरी कंट्री है, पहली कंट्री है माल्टा। माल्टा भी यूरोप में है, वो सेकेंड यूरोपियन कंट्री बनी है जर्मनी और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री माल्टा है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 27th एनुअल यूएन मीटिंग ऑन क्लाइमेट कोप 27, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, विल टेक प्लेस इन विच कंट्री फ्रॉम 6th to 18th November 2022। तो ये इजिप्ट में होगा यूएन मीटिंग, एनुअल यूएन मीटिंग, और 27th एडिशन होगा और जो मीटिंग होने वाली है कॉप 27 की होने वाली है। तो यहाँ याद रखना है कब होना है और कहाँ होना है, तो ये इजिप्ट में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्चुअली कॉप 27 जो है ना, तीन मुख्य क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित करेगा। उत्सर्जन को कम करना यानी रिड्यूसिंग एमिशंस, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता और देने, और विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में भी मदद करना है। तो तीन चार इनका मोटिव होगा इस मीटिंग का। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस डैट टू इंडियन बीचेज मिनोकॉय टुंडी बीच एंड डैश हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल इक्वलेबल ब्लू फ्लैग। तो आपको वो पता है साफ सुथरे सी बीच को ब्लू फ्लैग मिलता है, इससे संबंधित के बीच में क्वेश्चन आया था। तो रिसेंटली, वो भी हाई वैल्यूड क्वेश्चन था, रिसेंटली दो बीच को जो दोनों लक्षद्वीप में है उसको ब्लू फ्लैग मिला है। एक है मिनोकॉय टुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। ये जो इस तरह से अब इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग सी बीच हैं, 12। एक मैंने पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसमें सारे 10 के नाम दिए हुए थे, ये दो हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरट्टी है, प्रफुल्ल खोदा पटेल इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एग्रीकल्चर, यहाँ दोनों नाम याद रखना है आपको, मिनोकॉय और कदमत बीच, दोनों लक्षद्वीप में है, दोनों को ब्लू फ्लैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को चेयर्ड द 7th एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन इज लोकेटेड, यहाँ आपको क्वेश्चन में बताना है कि एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है जकार्ता, जकार्ता में है। चेयरमैनशिप इस पर कंबोडिया को मिला हुआ है, एशियन इंडिया कॉरपोरेशन। एशियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के 10 मेंबर हैं, इसमें कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू एड्रेस ए चिंतन शिविर ऑफ होम मिनिस्टर्स एंड DGPs ऑफ स्टेट। तो ये नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, कहाँ पे होगा ये, सूरजकुंड हरियाणा में। सारे स्टेट के होम मिनिस्टर और DGP भाग लेंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड इट्स एक्सेशन डे ऑन विच डे, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को एनेक्स किया गया था तो इस दिन एनेक्सेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंट्रोड्यूस्ड ऑन, अच्छा 26 अक्टूबर कब, 1947 में। 15, आप लोग को पता ही है कि 15 अगस्त जब हम देश आज़ाद हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर हमसे नहीं मिला था, अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद वो हमसे मिले थे, तो वो 26 अक्टूबर का दिन था।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट्स एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंट्रोड्यूस्ड ऑनेस्टी शॉप फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 12। किस राज्य के एर्नाकुलम जिला के स्कूल ने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए ईमानदारी की दुकान शुरू की है? केरला। यह पहल छात्र पुलिस कैडेट द्वारा छात्रों के लिए विश्वास, सच्चाई और अखंडता पे मूल्यवान पाठ विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, केरला में एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया है? ये भी केरला से रिलेटेड है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज री अपॉइंटेड संदीप बख्शी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आपको पता है संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD और CEO हैं, उनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिला है। आगे चलते हैं, व्हिच बैंक हैज बैग नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 अवार्ड्स? तो यह कर्नाटका बैंक। रिसेंट अवार्ड आप बॉक्स में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन द ICC रैंकिंग्स फॉर बैटर्स इन मेंस T20 आफ्टर द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप इन मेलबॉर्न इन अक्टूबर 2022? तो वो 6 प्लेस जंप करके अब 9th पोजीशन पे पहुँचे हैं। पहले वो 10 से भी बाहर हो गए थे टॉप 10 से, अब 9th रैंक पे आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको रैंक वाला बॉक्स से ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, अभी रिसेंट किसका कौन सी रैंकिंग है। जैसे रिजवान नंबर 1 पे है, डेविन कॉनवे 2, सूर्य कुमार यादव जिनको स्काई भी बोलते हैं 3, बाबर आजम 4, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके साथ ही वीडियो करंट अफेयर्स का समाप्त होता है, अब स्टैटिक GK के क्वेश्चंस को चलते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक रजनी मंत्रा लाइफ लेसंस फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार? तो रजनीकांत के बारे में बात हो रही है, इसको लिखा गया है PC बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द एंजल्स ऑफ कैलाश किसके द्वारा लिखी गई है? शुभीरा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड? ये श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है। मेरे ख्याल से श्याम सरन पहले फॉरेन मिनिस्ट्री में थे प्रवक्ता, यदि वही हैं तो। अगला क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हियर योर सेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड? प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री किसने लिखा है? पुलापड़े बालाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बुक है, डिजिनिटी इज ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, रो खन्ना ने लिखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बर्गंडी विंटर्स इन यूरोप, इसको बर्गंडी विंटर्स इन यूरोप प्रणय पाटिल के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।